सलाम गेमर्स, वेलकम टू द वीडियो। होपली वी आर डूइंग वेल एंड गुड। तो फाइनली हमारे पास जो एक्स सूट है उसका कंप्लीट टेक्सचर्स वगैरह आ गए हैं। मैंने आपसे कहा था जैसे ही टेक्सचर्स आ जाएंगे मैं आपके साथ फ़ौरन से वीडियो शेयर कर दूंगी। सो हेयर इट इज़। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फ़ौरन से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पिक कर दो ताकि इस तरह की मजीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। एंड लाइक भी कर देना, अप्रिशिएट कर देना लाइक के ज़रिए, लाइक एंड शेयर। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप लेवल 1 पे देखो तो एक सूट थोड़ा सिंपल सा है, बट लिटरली जो इसका हेयर स्टाइल है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगा मुझे। अब आई थिंक ज़्यादातर गर्ल्स को जो है ना पसंद आएगा, आई डोंट नो बॉयज़ को अच्छा लगे ना लगे, बट मेरा जो ओपिनियन है ज़बरदस्त, बहुत कमाल का हेयर स्टाइल है। और उसके ऊपर जो इसकी ब्लाइंड आइज़ की हुई है ना वो भी ज़बरदस्त। सेकेंड लेवल पर आप इसका अराइवल चेक कर लो, काफ़ी अच्छा सा है। वैसे ये आप कह सकते हो फुल ऑफ फीमेल वर्जन है सिल्वेनस एक्स सूट का, क्योंकि टोटली टेक्सचर्स वगैरह जो है ना वाइब्स उसी की आ रही है, जंगल जंगल। तो यहाँ पे लेवल 3 पे देख लो एडवांस फॉर्म, थोड़ा सा आपके पास क्लॉथ इफेक्ट आ गया है और नथिंग एल्स। आपके पास थोड़ी थोड़ी सी इसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है हर लेवल पर। अगर ओवरऑल बात की जाए एक सूट के लिहाज से, उसके ऊपर भी बात करेंगे, तो किल मैसेज का काफ़ी अच्छा है। एक फ्लावर सा है, उसमें से आपके पास एक स्टेम निकल रहा है और फिर किल मैसेज आ रहा है। एंड यहाँ पे आपके पास शॉक एंड इमोट। सबसे पहले एंट्री इमोट चेक करो, काफ़ी अच्छा है। यहाँ से आपके पास दोनों तरफ से बेलें निकलती हैं और फिर यहाँ से टिश टिश करके एंट्री करती है। इसकी स्वॉर्ड बहुत ज़बरदस्त लगी और ग्लोइंग इफेक्ट जो है ना चीज़ को कुछ ज़्यादा ही अच्छा कर देता है। एंड अगर आपके पास ग्राफिक भी अच्छी हो तब तो सुपर से ऊपर वाली बात हो जाती है। एक्सक्लूसिव इमोट चेक कर लो एंट्री इमोट के बाद। नाइस, अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसका ये वेपन काफ़ी कमाल का है। तो इसके आगे इमोट भी हैं जो एक्स सूट के साथ इमोट होते हैं ना फ्री में जो मिल जाते हैं अक्सर लकीली, तो वैसे तो एक्स सूट वगैरह भी मिल जाता है लेकिन इमोट्स भी आगे चेक करेंगे। दो इमोट्स जो होते हैं यहाँ पे आपके पास। आउटफिट चेक कर लो फाइनल फॉर्म में, ये है टोटल, दैट्स ऑल। एंड इसके बाद आपका टैग वगैरह, ब्रॉडकास्ट, ये सब चीज़ें जो पिछले वाले एक्स सूट के साथ न्यू न्यू चीज़ें आई थी ना, ये सारी वो चीज़ें हैं। और लेवल 7 पर फाइनली आपको रेडियंट फॉर्म दिख जाएगी, जिसके अंदर आपके पास सब कैटेगरीज हैं। ग्लाइडर हो गया, ऑर्बिटर हो गया और समन करने वाला जो फीचर है, ठीक है। तो ये तीनों फीचर्स के 7th लेवल पे ऐड किया गया है। सिर्फ इसी के नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो रिटर्न एक्स सूट आ रहे हैं उनके ऊपर भी ये तीनों चीज़ें अप्लाई होती हैं। इसमें आपका जो समन करने वाला है वो भी आप चेक कर लो, ऑर्बिटर चेक कर लिया। और समन करने वाला फीचर वही हो जो लॉबी के अंदर नहीं स्टेचू बन जाता है, जो कि मुझे बकवास लगा, कुछ भी नहीं लगा इसमें ख़ास। वेल, तो ये बस ओवरऑल इसका सेट का लुक आ जाता है। एंड थोड़ा सा एक सूट के लिहाज से आई थिंक थोड़ी सी कमी है, बाकी अगर ओवरऑल सेट के ऊपर बात की जाए, ऐसे ही बस सेट के ऊपर बात की जाए, एक सूट को हटा दो तो काफ़ी अच्छा सेट है। लेकिन अगर बोला जाए कि एक सूट है तो आई थिंक थोड़ा और इसके ऊपर वर्क करना चाहिए था। और आप लोगों की क्या ओपिनियन है मुझे बता सकते हो कमेंट में। इसके अलावा क्लोज लुक चेक कर लो, इसके इमोट्स जो आने वाले हैं साथ में वो आप चेक कर लो, इसका ये कवर चेक कर लो। ये इसके साथ ही नहीं होना है या ये अलग देंगे? खैर, मेरे ख्याल से तो ये साथ ही होना है, लेकिन आई थिंक इस वाले सूट के साथ, एक्स सूट के साथ जिसे एक्स्ट्रा मिथिक आते हैं ना वो मिथिक नहीं है। जस्ट आपको एक्स सूट मिलेगा एंड आपको रिटर्न एक्स सूट्स मिलेंगे। एंड यहाँ पे आप वेपन वगैरह देख लो और क्लोज लुक चेक कर लो कैसा लग रहा है एक्स सूट। अपग्रेड होने के बाद फुल जो हो जाएगा उसका कुछ ये लुक आएगा, अच्छा लग रहा है, ब्राइट ब्राइट ग्रीन ग्रीन, नाइस, नॉट बैड एट ऑल। तो ये एक्सूड होने वाला है। एंड जो मिथिक इमोट साथ आएंगे वो भी आप ये चेक कर लो, दो मिथिक इमोट हैं, एक ये वाला सही ओके है, आई थिंक इमोट इज़ ओके। एंड सेकंड वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, डियर को जो बुला रही है वो वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और बाकी जो दो इमोट हैं ना एक सूट के साथ होंगे, जैसे कि एंट्री वाला हो गया और ये वाला, काफ़ी अच्छे तरीके से स्पॉन कर रही है, तो ये सारे इमोट हो जाते हैं। एंड आपके पास जो रिटर्न एक सूट आ रहे हैं वो भी चेक कर लो, उनके अंदर क्या क्या अपग्रेड चीज़ें आ गई हैं। इसका एक ग्लाइडर रहता है, तो ये ग्लाइडर है ये भी चेक कर लो। और गन को आपको मैं लैब में दिखा देती हूँ, सॉरी ये ग्लाइडर नहीं, आपके पास होवरबोर्ड है, सही ओके है। बाकी अगर गन की बात की जाए वो तो मैंने पिछली वीडियो में पूरी दिखाई थी, तो अभी स्पीड फॉरवर्ड करके बाद आपको फटाफट से सारे लेवल दिखा देती हूँ, क्योंकि उसके अंदर देख चुके हैं तो आई थिंक इसमें टाइम लगेगा। बाकी अगर आपको इसको देखना हो तो स्लो भी करके देख सकते हो, वरना आप जाके पिछली वीडियो देख लो। तो इसका किल मैसेज भी काफ़ी अच्छा है,
एक्स सूट के जैसा ही लग रहा है, सिमिलर लग रहा है। और फाइनल फॉर्म वगैरह चेक कर लो। ये इसके अंदर जो स्वॉर्ड है ना, मैंने पहले भी कहा था अच्छी लग रही है मुझे बहुत, तो इसमें अभी मतलब काफ़ी अच्छी लग रही है। इंस्पेक्ट करने वाला इमोट भी काफ़ी अच्छा है और जो आपका लूट क्रेट है वो भी अच्छा है, नाइस। इसके अलावा यहाँ पे आपको अटैचमेंट्स भी देखने को मिल जाएंगी, सारी की सारी अटैचमेंट लग के गन यू नो कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि अगर जिन गन्स के साथ अटैचमेंट नहीं है ना, और आप उनके साथ अटैचमेंट लगा लो और फिर उनकी शक्ल देखो, तो ऐसे लगता है कि किसी ने किए कराए पे पानी डाल दिया, काफ़ी अजीब सा लुक देती हैं फिर वो। इन्होंने व्यू डिटेल्स भी डाल दिया है इसके अंदर, इससे निखार निखार के चीज़ को दिखाएंगे ना, जो कि बैटल के टाइम किसी को कुछ नहीं परवाह है कि इसकी क्या चीज़ ऐसी है वैसी है, लेकिन आप इसको वेल यहाँ पे इंस्पेक्ट भी कर सकते हो। डिटेल्स के अंदर सारी सारी डिटेल्स आपको अच्छे से दिख जाएंगी। लास्ट थिंग के हमारे पास जो पुराने एक्स सूट आ रहे हैं वो भी लेवल 7 हो जाएंगे, 7 स्टार हो जाएंगे। और 7 स्टार पे वही रेडियंट फॉर्म इन पे भी लगाई गई है जो कि अभी आपको मैंने दिखाई प्योर एक्स सूट पे, ठीक है। ग्लाइड होगा और रेडियंट ऑर्बिटल होगा और इसके अलावा समन, ठीक है। तो इनकी कुछ एंट्री चेक करो और ग्लाइडिंग चेक करो, और रेडियंट फॉर्म ये है, ये जो इनके पास एक ऑर्बिटल टाइप की चीज़ आ रही है ना इनके शोल्डर के पास, बस ये तीन चीज़ें। तो ये इन तीनों की चीज़ें ऐड की गई हैं, ये भी आपके पास अल्टीमेट हो जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए यही सब था। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। इसके अलावा काफ़ी टाइम से एजे प्रीजन करना था, और जो न्यू अचीवमेंट आई है वो अपनी आईडी में करनी है, और क्लासिक क्रिएट के हवाले से जो कुछ भी देखना है वो सब अवेलेबल है, जाके चेकआउट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन।